धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसे कर्क रोग होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। दोस्तों, हमारे ऊपर अनेकों हमले हुए हैं। कल और खतरनाक हमलों के दौर से हमें गुजरना होगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर अपनी मांग पूरी किए बिना नहीं रुकेंगे। इसलिए ऐसी भी घटना हमारे ऊपर हो सकती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दिन साथियों, उठ खड़े होना। अगर वो भी संभव न हो तो हमारी कुर्बानी की याद कर दो बूंद आंसू टपका देना। लाल जुहार। जहां सबला पिए के पानी मिली, जहां हर खेत में सिंचाई के साधन हुई, जहां हर हाथला काम मिली, जहां किसानला पैदावार के सही कीमत मिली, जहां हर गांव में अस्पताल हुई, जहां हर लड़का के सही पढ़ाई व स्कूल हुई, जहां सबला भुइया और घर मिली, जहां गरीबी शोषण और पूंजीवाद नहीं हुई, ऐसा छत्तीसगढ़ कब बनी? जब किसान मजदूर के छत्तीसगढ़ में राज हुई। मनला मुई डारे रे मोर छत्तीसगढ़ भुइया, मनला मुई डारे रे मोर छत्तीसगढ़ भुइया, मन मुई डारे 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 मोर छत्तीसगढ़ भुइया। हमर किसान मन के सोने के चिड़ैया हो, मन मुई डारे मोर छत्तीसगढ़ भुइया, मन मुई डारे मोर छत्तीसगढ़ भुइया। हरियर हरियर रहे रे झूमे प्यूरा प्यूरा धान संगी, प्यूरा प्यूरा धान नदिया हमर बहिनी लागे, पर्वते मितान संगी, पर्वते मितान खेत खार हवे, खेत खार हवे हीरा मोती के देवैया हो, मन मुही डारे मो छत्तीसगढ़ भुइया। सन 70 के पहले जब हमारा यूनियन बना, उसके पहले हम लोग दो यूनियनों में बटे हुए, एक इंटक एक एटक। जब भी हम लोग हड़ताल जुलूस प्रदर्शन करते थे, रेगुलर मजदूरों का ही पेमेंट होता रहा, लेकिन ठेकेदारी मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। इससे मजदूरों में काफ़ी आक्रोश था, और ये 2 मार्च के दिन 77 में हम लोगों ने एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू किया, जिसमें एटक और इंटक दोनों ने अपना यूनियन तोड़ करके एक जगह में बैठे लाल मैदान में, और 21 दिन तक हम लोगों ने हड़ताल किया। हड़ताल करने के बाद हमें आर्थिक रूप से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हमें इज्जत मिला और हमारा एक मजबूत यूनियन तैयार हुआ, और हम लोगों ने CMSS का गठन किया।
जब हम लोग सीएमएस से गठन किया तब तक नियोगी जी यहाँ पे जेल से छूट के आ गए थे, जो एनएसए के अंदर में मिसा के अंदर में गिरफ्तार थे वो छूट के आ चुके थे, दानी टोला में काम कर रहे थे। कुछ लोगों को हमें पता था, हम लोगों ने नियोगी जी को बुला के लाया और अपने संगठन में शरीक किए। नियोगी जी वामपंथी थे, नियोगी जी को कुछ लोग बोलते थे नक्सलवादी, कुछ लोग बोलते थे गांधीवादी। तो ये फर्क इसलिए आया कि जब नियोगी जी जब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ने तय किया कि ट्रेड यूनियन आंदोलन बंद कर दिया जाएगा, तो नियोगी जी उनके खिलाफ थे, क्योंकि उनका विलायत क्षेत्र में उनका जन्म ट्रेड यूनियन आंदोलन से हुआ, तो उनको मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और उन्होंने अपना हिसाब से अपना राजनीति ढूंढ के निकाला। के गली खोर में बगरा बोया जोर, जिंदगी में खुशी मनाबो मनाबो रे, गावे लस्वरग बनाबो चल चल संगवारी रे, गावे लस्वरग बनाबो। जात पात के भेद लता। अभी मेरे पास एक पेपर मिला, ये पेपर जो है 81 का है, ये पेपर में ये है पांडुला समाचार है जी हाँ। और इसमें लिखा है जो क्या शंकर गुहा नियोगी नक्सलवादी है, नहीं नहीं कदापि नहीं वो, और ये पेपर जो है आप ही निकाला है जी हाँ। इस पेपर में उनका भरपूर सहयोग रहा, उनका भी उनके साथियों का भी सहयोग रहा। मई दिवस संघ निकाले, कई कई बहुत से निकाले, दहान बांध के निकाले, हर जगह निकाले। हम मजदूर किसान दली राजहरा दानी टोला महेश और हमारे शंकर कामरेड गुहा नियोगी था, उन्होंने उनकी प्यास था कि जब तक दहान बांध का पानी को मैं ग्राम दहान के अंदर प्यासा को पूरा नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी आंदोलन पूरा नहीं करूंगा। इस दहान के बारे में आंदोलन इसलिए हुआ कि उस टाइम में अकाल, घनघोर अकाल इस इलाके में हो गया। होने पे पंचायत सरपंच ने कहा कि सिर्फ दहान के पंचायत के लोग काम करेंगे, तो उसमें हम लोग धानी टोला मजदूर के संघ और भी थे, उनके साथ आकर हमने उनको कहा कि भाई इस बांध सरकार का है और हर कोई नहीं कि मजदूर आकर यहाँ काम कर सकते हैं। इस रूप में हमने यहाँ आंदोलन नियोगी के साथ, शंकर नियोगी के साथ आए हुए थे यहाँ, उनको पकड़ के हमने यहाँ पे पूरा मजदूर को संग लेकर हर मजदूर को काम दिया। भेद लटाने के एक संखा बो कमाबो, हाँ हाँ एक संखा बो कमाबो, एक तक साबुन रचा केर संगी काया लावो जिराबो, हाँ हाँ काया लावो जिराबो, छुआ छूत के भूत भगा के, छुआ छूत के भूत भगा के, मन के खटका मिटाबो मिटाबो रे, गावे लस्वरग बनाबो चल चल संगवारी रे, गावे लस्वरग बनाबो। भिलाई में काम करते करते जब उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस में स्ट्राइक किया, इसके बाद उनका नौकरी चला गया। नौकरी चला जाने के बाद उन्होंने दानी टोला में आया। दानी टोला के पहले इधर एक गांव है गंजी, गंजी गांव में आया। गंजी आने के बाद उनका साथ सियाराम जी का परिचय हुआ, और सियाराम जी है, उनका ससुर भी है और दानी टोला खदान का मजदूर भी है। सियाराम जी, आपका साथ कैसे नियोगी जी का परिचय हुआ, ये आप थोड़ा से बताओ। क्या नियोगी जी का परिचय ऐसे हुआ कि जब जब भी आए ना, यहाँ सिर्फ मजदूरों के हित के बारे में बात करता था, तो उस समय हम लोग नहीं समझते थे कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। ये कौन साल का बात है? ये वो बात है, ये 71-72 की बात है, 71-72 का बात है। इसका बाद आप लोग उनका साथ मिलके इधर संगठन बनाए। उसके बाद में इधर हम मिलके एक साथ में गांव-गांव जाके मीटिंग किया, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग संगठन बनाए। अच्छा, इसके बाद ये दानी टोला का जब काम शुरू हुआ तो नियोगी जी इधर काम करता था क्या? हाँ, मेरे साथ काम करता था, पत्थर फोड़ता था। अच्छा, या पत्थर फोड़ने के बाद और दूसरा कोई काम करता था? पत्थर फोड़ने के बाद में, उसके बाद में कुछ दिन पत्थर फोड़ा, उसके बाद में मेटगिरी का काम किया। अच्छा, मेट के बाद मैनेजर हो गया। मैनेजर होने के बाद में उसके धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये बाहर का आदमी है, इस ढंग से यहाँ पर मजदूरों को भड़काता है, तो ये लाइबी आके रोज के पता लगाता था। तो उसने फिर दूसरा रास्ता निकाला, बकरी बकरा खरीदने का।
तो बकरी बकरा खरीदने के लिए हम दोनों चले जाते थे गांव गांव में, बहुत दूर दूर के गांव में जाके खरीद के लाके हम स्वेटर हाउस भेले ही वहां जाके दोनों जने खेत के लेज के बेचते थे। पुलिस तो दिन के भी आ जाता था रात के 2 बजे, हमेशा कभी कभी ट्रक भर लेके आता था पुलिस। हम लोग को मालूम नहीं था क्या बात भाई इतना पुलिस क्यों आ रहा है, बोले इतना पैसा देंगे इसको पकड़ा दो, तो नहीं साहब हमको तो मालूम नहीं है, वो कभी जगदलपुर रहता है कभी कांकेर रहता है कभी धमतरी चले जाता है काम करके चले जाता है, अरे उसके पीछे जाने से मिलता नहीं है बोले। तो असली में उन्होंने कहाँ रहते थे? असली यहीं रहता था धनी टोला, आस पास के गाँव में रख देते थे या और जंगल में रहने से हम लोग खाना पहुँचा देते थे। अरे सुनता के बांधे बना के रे संगी, सुनता के बांधे बना के रे संगी, एक तक पानी पलोबो पलोबो रे। आपका नाम क्या है? नाम पदुम सिंह। और ये गांव का नाम केरी जो गया। नियोगी जी जब पहले आए यहाँ तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? वो बोला नहीं मेरा पुलिस पीछे कर रहे हैं। तो क्यों आपका पीछे कर रहे हैं पुलिस? तो उन्होंने कहा कि तुम मजदूर को भड़काते हो या उनको चाल सिखाते हो, जो हम उनको लूट के उनको मेहनत करा के खाते हैं उसके तुम पूरा पूरा दिला देते हो मजदूर लोगों को करके, इसलिए जंगल क्षेत्र समझ करके मैं इधर आया हूँ और आप लोगों को भी कुछ बताने, ज्ञान की बात सच्ची बात बताने आया हूँ। हाँ वो वहाँ गेंजी वाले हमारे देवर लड़का है ना, तो हम समझे कि यह हमारे देवर के साथी है, तो यह हमारे देवर अच्छी घड़ी घड़ी भाभी जी चाय बना तो तुरंत बोला चाय पिलाओ, तुरंत खाना खिलाओ, वो सब कुछ ना जैसे माँ अपन बच्चा ला करते ना वैसे किस्म के मैं ओकर सेवा करत रही। तो कुछ दिन यहाँ रहा, रहने के बाद वो बकरी बकरी लेना शुरू किया। तो क्यों बाबू तुम बकरी लेते हो और हम राजनीति काम करते हैं ऐसे करके कहते हो? तब कैसे करूँगा भाई, मेरा तो खुद का खर्चा जीवन चलाने के लिए इसको लेता हूँ, इसके बहाने आप लोगों से भेंट करने मुलाकात करने कुछ बातचीत करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। जो हमारे जो करीजगर का बांध है ना, तो ये इधर से मजदूर और किसान जब काम करके आते हैं आते समय उनको पूछता था कितना रोजी देता है, तो कहे नहीं बाबू 3 रुपया 4 रुपया देता है, तो तुमको पड़ता है नहीं तो कैसे कमाते हो? कह बाबू हमको कोई यहाँ बताने वाला नहीं है न कोई कहने वाला नहीं है, तो भाई जितना देता है उतना हम कमाते हैं आ जाते हैं, तो मैं बताऊँगा तो उसको मानोगे? कौन कहते थे? नियोगी जी। तो ठीक है बाबू, हम तो आपको जानते भी नहीं, तो मीटिंग वगैरह रखोगे हम आएंगे, जैसे बताओगे वैसे मान करके हम चलेंगे। और जब कभी वो लोक कल्याण देश कल्याण की ही बात करता था और हम किसान और मजदूरों को एकत्रित रहना संगठित रहना और संगठित में जो काम होगा तुम्हारा जो मांग होगा वो छिरी दिर्री रहने से नहीं होगा, ऐसे वो हमेशा बतलाता था। एक दूसर ला करबो सहारा, सुख दुख ला बांट लेबो, हो सुख दुख ला बांट लेबो, ऊंच नीच के भरम ला संगी, खुद रामा पाट देबो, हाँ हाँ खुद रामा पाट देबो। अरे अंधियारी रात भगा के, ये अंधियारी रात भगा के, नवा या जोर बगराबो रे, गावे लस्वरग बनाबो, चल चल संगवारी रे, गावे लस्वरग बनाबो। काम की स्थिति बहुत ख़राब था, माइंस के हालात जर्जर हो चुका था, तो हम लोग काम में जाते थे काम नहीं मिलता था। हम लोग खदान में ब्लास्टिंग नहीं है ड्रिलिंग नहीं है, 10 बजे तक काम किए मिला तो नहीं तो फिर वापस आ जाते थे। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम लोगों ने जो महत्व दिया आंदोलन के लिए वो है फालबेक वेजेस। तो ये फालबेक वेजेस एक ऐसी लगाम साबित हुआ जो हम लोग उत्पादन को कंट्रोल करते हैं उससे। अगर हम काम में जाते हैं हमको काम नहीं मिलता है तो उसका 80% पैसा उनको उस दिन के लिए मिनिमम वेजेस का देना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट ने चाहा कि हम इन्हें फालतू पेमेंट करने के बजाय इनसे काम लें, और लगातार मैनेजमेंट ने इतना काम दिया और काम देने से काफ़ी उत्पादन हुआ। और इसमें नियोगी जी का जो कॉन्सेप्ट था, उत्पादन अगर हमारे हाथ में है जितना हम लोगों ने उत्पादन किया उतना ही हमने मैनेजमेंट के साथ में अपने अधिकार का भी बात किया कि नियोगी जी हमें संघर्ष के लिए भी सिखाया उत्पादन के लिए भी सिखाया। उनका एक स्पष्ट मत था कामचोर लोग जो है सही नेता हो नहीं सकता। मजदूर जो है अपना जायज मांग घर मरम्मत का जो
बासबल्ली का पैसा का बात जो हुआ था ठेकेदार से, और ठेकेदार पैसा देने के वक्त मुकर गया। इसी बात को लेकर मजदूर यहाँ बैठे हुए थे, कोई सोए हुए थे, रात दिन यहीं डेरा डाले थे। तो पुलिस वाला आया और नियोगी जी को उठाकर ले गए। रात में ही महिला और पुरुष सभी दौड़ के इकट्ठा हुए। इस बीच में जो है पुलिस जो है 8-9 पुलिस जो है मजदूर के घेरे में आ गए, और उसको छुड़ाने के लिए अन्य पुलिस जो है फिर से एक बार आया और अश्वगंध के गोले फोड़े। तो हम लोग समझे कि मजदूरों को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, परंतु उनके साथ साथ जो है अश्वगंध के गोले फोड़ने के बाद भी मजदूर जब नहीं भागे तो पुलिस ने गोली चला दिया, जिस गोली के शिकार हमारे 8 साथी हुए। जिन कसाईयों ने किया है कत्ल तुम्हें, आज की अदालत है उनकी। जिन कसाईयों ने किया है कत्ल तुम्हें, आज की अदालत है उनकी। हमारी अदालत एक दिन उन कसाईयों को सजा देगी। हमारी अदालत एक दिन उन कसाईयों को सजा देगी। जगदीश भाई लाल सलाम, अनसैया भाई लाल सलाम, शिवराम लाल सलाम। राजा के खदान में काम करने वाले जो मैनुअल मजदूर जो जिस भयंकर स्थिति से गुजर रहे थे, उस स्थिति का खिलाफ एक संघर्ष तैयार करने के लिए जो मजदूर लाल मैदान में 1977 मार्च महीने में 10,000 मजदूर महिला पुरुष सब एक इकट्ठा होकर एक नया संगठन का जन्म दिया। गुरु जी का आगमन के पहले उनका संगठन बन चुका। उस संगठन जब बना और उस संगठन का संचालन होने लगा, तो उस संचालन में का बीड़ा संभाल का डायरेक्शन संभालने के लिए मजदूरों ने शंकर गुहा नियोगी को बुलाया। तो उनका नारा था संघर्ष और निर्माण। आम आदमी जब नया जमाना का सपना देखता है तो सोचता है कि एक नया पृथ्वी जहां करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बस इतना ही, उससे आगे नहीं। इसीलिए नियोगी जी ने चाहा था कि आज के जमाना के अंदर ही आम लोगों को अपना अपना नया जमाने के लिए जो हम सपना जो देखते हैं उसको भ्रूण आकार में छोटा छोटा पैमाने पे उसको तैयार किया जाए। मेरा दृष्टि से संघर्ष के मतलब है समाज बनाने का संघर्ष, नया समाज बनाने का संघर्ष के साथ साथ चलने वाले जो निर्माण का कार्य काम निर्माण के कामों में छत्तीसगढ़ के संगठन मजदूरों का कोशिश रहा कि नया समाज का एक एक टुकड़ा हो, नया समाज का सपना का एक एक टुकड़ा को साकार करने। इसीलिए उन्होंने कई किस्म का प्रचेष्टा की। एक तो आम लोगों के लिए आम लोग अपना अस्पताल बनाएंगे, पीपुल्स हॉस्पिटल, गैरेज चलाएंगे, अपना गैरेज, वर्कशॉप, स्कूल चलाएंगे, अपना स्कूल। तो छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ ने मजदूरों के सिर्फ 8 घंटा के सवाल पर ही नहीं, वो मजदूरों की पूरा जीवन शैली, और नियोगी जी इसी बातों को लेकर के 78 में जो पहला यूनियन का चुनाव हुआ उसमें 18 विभाग में यूनियन को विभाजित किया। हकीकत में छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ का एक विभाग है किसान विभाग, जो आगे चल करके छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का रूप लिया है। स्वास्थ्य विभाग आगे चल के हमारा शहीद अस्पताल हुआ। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के ऊपर में जो हमारा काम था वो कार्यक्रम जो है हमारे फागुराम जी हैं, और एक नवा अंजोर के रूप में हमारा जो काम हुआ, और तमाम विभाग आज कमोबेश सभी विभाग काम कर रही है अपने अपने स्तर में। इसमें महिला विभाग है, शराबबंदी विभाग है। तो हमारे संगठन 77 में बनी
तो गोली खाएं, डंडा खाएं, हमारे नियोगी भैया जेल होइस, सब कुछ होइस। होए के बाद भी संगठन एक मजबूत हो गए, मजबूत होए के बाद अपन अधिकार ले लें, ओकर बाद भी अधिकार ले के बाद भी हमार करा एक पैसा रकम नहीं बचत रही से। काबर घर घर में पुरुष भाई मन शराब पियत रही से, हर घर के अपन जो अधिकार ला वो भी भूल जाना है। और एक तरफ घर में भी हमार खर्चा पानी नहीं है और बच्चा की पढ़ाई भी नहीं है, घर घर में बच्चा भी अनपढ़, तो हम अब का करन। तो ये काम करो, महिला मुक्ति मोर्चा के एक ठोक संगठन बनो। तो महिला मुक्ति मोर्चा जो है आगे हो करके जब शराबबंदी का आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई तो भाई मतलब समझाने लगी, हाँ तो कोई अपन घर से बाहर महिला निकाल दे थे तो बाल बच्चा लोग घर से पिटाई करके निकाल दे थे, तो ये बात ठीक नहीं। तो वही महिला मन हा पूरा वहाँ पर बैठ गए भट्टी के अंदर, भट्टी के दरवाजा के सामने, और सामने में बैठ करके वहाँ पर एकदम नाराबाजी शुरू कर दी, शराब के बाटल फोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, ये नाराबाजी करके। और वो कर बीच में नियोगी भैया नेतृत्व करी, आओ हमार बहिनी मन हा एक एक सभा रच के बना करके हमार भाई सामने लाइस कि यहाँ तुम कसम खाओ कि हम आज से शराब नहीं पियेंगे। वो समय से फिर एक एक करके हमार भाई मन हा नेता बनीस और एक एक करके आगे आईस, कुर्बानी के लिए आगे होइस, लड़ाई के लिए आगे होइस, गांव गांव में दिशा लाइन देने के लिए आगे गीस, और हमार साथ साथ हमार बहिनी मन भी गीस। शुरुआत ऐसी था, ये संघर्ष और निर्माण के तहत स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो, ये शुरू हुआ। एक छोटा सा डिस्पेंसरी यूनियन ऑफिस का बगल में शुरू हुआ। इसका साथ साथ मोहल्ला में जो टट्टी उल्टी होता है, टट्टी उल्टी के लिए जानकारी देने के लिए भी कार्यक्रम शुरू हुआ। 83 3 जून शहीद अस्पताल का शुरुआत हुआ। शहीद अस्पताल मजदूर और किसान का एक मिलित शक्ति का एक परिचय है, जहाँ पे दल्ली राजहरा का जो मजदूरों ने है, मजदूरों ने आसपास का जो असंगठित मजदूर है, जो किसान है, इनके लिए ये अस्पताल समर्पित किया। छत्तीसगढ़ से मैं जब लौट कर बंगाल में आए तो उस समय कनौड़िया जूट मिल के मजदूरों का एक आंदोलन चल रहा था, तो वहां के मजदूर उनका एक कल्पना था कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य आंदोलन के जैसा एक आंदोलन उनके क्षेत्र में बनाया जाए। तो क्लिनिक का नाम है श्रमिक कृषक मैत्री स्वास्थ्य केंद्र। हमारा क्लिनिक भी एक मॉडल क्लिनिक है, जिस मॉडल क्लिनिक से हम ये साबित करते जा रहे हैं कि कम खर्च में सही इलाज पहुंचाना संभव है। রোজা কটালে গেছি তাতে একটু কষ্ট বেড়েছে, ওষুধ কি বন্ধ রেখে দিয়েছে ভাইবি? এটা ঠিক করেনি, আপনাদের বলছি না যে ওষুধ বন্ধ করবেন না। আর অসুস্থ থাকলে সবকিছু মাফ। আমার স্বপ্নাকার সমাজ মে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হেলথ ইনস্টিটিউশন জিস তরিকা কা হোগা ওহাঁ পর डॉक्टरों के आपसी जो संपर्क होगा, डॉक्टरों के साथ बाकी कर्मियों का जो संपर्क होगा, डॉक्टर या कर्मियों के साथ मरीजों का जो संपर्क होगा, नए मूल्यों के डॉक्टरों को तैयार करना, नए मूल्यों के स्वास्थ्यकर्मी को बनाना, ये भी हमारा लक्ष्य। कोशिश कर रहा है कि लोगों की जो जाए आंदोलन मजदूरों का, किसानों का जो जायज आंदोलन, जायज आंदोलन के पास डॉक्टर के रूप में, स्वास्थ्यकर्मी के रूप में साथ में रहने का, सिंगूर के आंदोलन, नंदीग्राम का आंदोलन या लालगढ़ का आंदोलन में हम इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। जनता का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, इसी से बीमारी पैदा होता है। तो बीमारी क्यों पैदा होता है, इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ये भी हमारा एक काम। शहीद अस्पताल में भी हमारा ये काम रहा, मैत्री शास्त्र केंद्र या हमारा श्रमजीवी शास्त्र उद्योग का भी ये और एक महत्वपूर्ण काम है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाना।
आज भी वो दिन याद है। उस दिन सुबह सुबह रोज की तरह अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक एक खबर पे नजर फैल गई। खबर थी छत्तीसगढ़ के श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दी गई। नियोगी जी के हत्या के साथ ही संघर्ष के लिए निर्माण के सपने पे संशय के बादल मंडराने लग गए थे। तभी हमारे मन में एक ख्याल आया कि उनके जन आंदोलन पर क्यों न एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाए। आगे पीछे नहीं सोच, हम अपनी फिल्म यूनिट के साथ तब के मध्य प्रदेश जिला दुर्ग के दली राज हरा पहुंच गए और उस मजदूर आंदोलन से जुड़ी कुछ घटनाओं को 2-3 सालों तक लगातार सेटेलाइट मीडियम के जरिए हम शूट करते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आर्थिक समस्याओं के चलते हम इस फिल्म को पूरी नहीं कर पाए। समय यूं ही बीतता गया। समय के साथ साथ दुनिया डिजिटल होती गई। एक लंबे अंतराल के बाद नियोगी जी की 25वीं वार्षिकी पर हमने श्रमजीवी स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से फिर से फिल्म पूरी करने की कोशिश की। आज हम अपनी फिल्म यूनिट के साथ पश्चिम बंगाल हावड़ा जिले के चिंगाई में स्थित श्रमजीवी स्वास्थ्य केंद्र में आ पहुंचे हैं। यहां हमारे साथ शंकर गुहा नियोगी और उनके आंदोलन पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उसी आंदोलन से जुड़े छत्तीसगढ़ श्रमिक अस्पताल के 3 पूर्व डॉक्टर डॉक्टर आशीष कुंडू, विनायक सेन और पुण्यव्रत गुण। उस समय नियोगी जी राजनीति में आए जब रशिया में काफी बदल हो चुका था, लोग हताश हो रहे थे। चीन में काफी बदल हो चुका था, लोग हताश हो रहे थे। तो नियोगी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, क्रांति की काम चलाने के साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति चलाने के भी चलाने के काम है। मतलब क्रांति हो जाएगी फिर लोग बदल जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं सोवियत यूनियन में, चीन में। आज की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को समझने में इस पूरा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को इसको देखना बहुत जरूरी है। मशीनीकरण के साथ में दली राजहरा के मजदूरों का सीधा संबंध है। 5 अप्रैल 1978 को जैसे बरेडीला में गोली चला और वहाँ के मजदूरों को गोली चला करके भगा दिया गया, उसके तुरंत बाद कोंडे में जो प्लांट बन रहा था उसके खिलाफ में हम लोगों ने एक काला झंडा लगा करके विरोध प्रदर्शन किया। 20/4/1979 को एक सेटलमेंट हुआ। सेल और इस्पात मंत्रालय का भी निर्देश था और जिस निर्देश के आधार पर अर्ध मशीनीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हुआ। मैनेजमेंट उस समय तो मान तो गई कि अर्ध मशीनीकरण के माध्यम से हम मजदूरों को काम देंगे और अपना उत्पादन भी लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य जो है छोड़ा नहीं। 81 में नियोगी जी को जो गिरफ्तार किया गया उस गिरफ्तारी के पीछे भी मशीनीकरण को पूर्ण रूप से चलाने का या उत्पादन पूर्ण मशीनीकरण के माध्यम से लेने का योजना था। तो उसके खिलाफ में भी लगातार संघर्ष हुआ। 85, 86, 87 में जो आंदोलन हुआ वो विशेष रूप से मैनेजमेंट की जो मशीन के जो प्रेम है उस प्रेम के खिलाफ में हमारे यूनियन की ओर से जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष पूर्ण रूप से मशीनीकरण के खिलाफ में संघर्ष था। गारी है से बड़े है अव्वा घुबड़ जाई रे, अव्वा घुबड़ जाई रे, मेहनत सजन तहा कभी मां के मारे जाई रे, मां के मारे जाई रे, मेरे होई अन दरबार सब बीतत न मामा, सब मजदूर काम हो आगे मतीनी करण के राज जुचा कर दे सब से, फिर हम देखते हैं कि 89 में आने के बाद में मजदूरों के जो छटनी करने के जो मैनेजमेंट की जो भावना था
उस भावना में मैनेजमेंट अपना उत्पादन का जो स्तर बढ़ गया है ये बात बता करके उन्होंने मशीन के ऊपर फिर से बार बार जोर डालने का कोशिश किया। वो लोग बोलते हैं कि हमारा दर्शन जो है दक्षिण कोरिया है, जैसे दक्षिण कोरिया में 7 मिलियन टन प्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि 6,000 लोग काम करते हैं, तो हमारे सेल मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं कि हमारा दर्शन जो है दक्षिण कोरिया, हमको उसी लाइन में जाना है। दल्ली राजहरा की लोहा खदान में ट्रांसपोर्ट माने ट्रक लोडर का काम करते हैं। ये दल्ली राजहरा कंदर में एक साइडिंग था जिसमें 5,000 लोग बागिन का काम करते थे, बागिन लोड करते थे, परंतु आज जो है वो जगह 5,000 जो मजदूर था वो नहीं है और उसके जगह में एक ही मशीन जो है काम कर रहा है, लोड का काम वो साबेल मशीन कर लेता है। इसी प्रकार हर जगह का काम जो है मशीन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये हमने आज देखा है और लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे जो है मजदूरों का हाथ से काम छीना जा रहा है। यही लड़ाई जो है मजदूर जो है दल्ली राजहरा के लड़ रहे हैं, जिसे देख करके भिलाई के मजदूरों ने ठाना कि छत्तीसगढ़ के धरती के अंदर एक ऐसा संगठन है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है। वही लड़ाई को देख करके, ये विजय को देख करके, जो मजदूरों ने हासिल किया उसे देख करके वहाँ के मजदूरों ने भी ये लाल हरा झंडा उठाया है। हमारा जो आंदोलन अभी चल रहा है वर्तमान में कि मजदूरों को 3 महीना भी ड्यूटी में नहीं रखा जाता है, उसको 90 दिन के पहले उनका छटनी कर दिया जाता है और इस अत्याचारी के साथ, इस साजिश के साथ छटनी किया जाता है। जहां 1,000 मजदूर काम कर रहा है वहां पर 100 ठेकेदार और उसको 2 महीना 2.5 महीना इस तरह करके एक ठेकेदार से दूसरा ठेकेदार, दूसरा ठेकेदार से तीसरा ठेकेदार, और वो ठेकेदार बिना लाइसेंसधारी है और वो जो मजदूर है वो 8 साल 10 साल काम करने के बावजूद भी वो परमानेंट साथी नहीं हो पाता है। जितने भी छोटे छोटे उद्योग है उनका हर रोज की काम या प्लांड वे में जो काम, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है उसका अंदर से 95% रॉ मटेरियल्स बेस प्रोवाइड करते हैं। जब उनका डिमांड्स मुताबिक बीएसपी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं तो बीएसपी का एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाता है उस इंडस्ट्रीज को कहे, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहे जे तुम्हारा उद्योग में कितना मजदूर काम कर रहा है। जब निरंतर चलने वाली जो जगह है
उस जगह मजदूरों को स्थायीकरण करना चाहिए, उनको एक जीने लायक वेतन देना चाहिए। बल्कि बीएसपी जब धीरे धीरे उसका एक पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो मजदूरी की जो संख्या है धीरे धीरे कम करते गया, और उस परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में बीएसपी का अंदर उस जगह में ठेकेदारी सिस्टम लागू करते हैं। ये ठेकेदार लोग वही लोग होते हैं जो मालिकों के पालतू गुंडे हैं और मजदूरों पर अत्याचार करके मजदूरों को दबा सके, और ये मजदूरों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करके इंडस्ट्रियल बेल्ट में सभी कंपनियों में एक आतंक का माहौल बना के रखते हैं, ताकि जो है मजदूर अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके, कभी संगठित ना हो सके। अगर संगठित होता है तो उनके ऊपर चक्कू चलाना, कट्टा चलाना और किसी तरह से हर तरह के अत्याचार करके जो है उनको दबा दिया जाता है। महिला को डिलीवरी छुट्टी भी नहीं मिलता है, जबकि सरकार कानून लगा दिए हैं कि डिलीवरी छुट्टी मिलना चाहिए। छुट्टी इन लोग अपने मन मर्जी से देते थे। श्रमिक चाहे बीमार रहे, चाहे वो कोई भी संकट में पड़े रहे, चाहे बच्चा बीमार रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, और छुट्टी का ठिकाना नहीं रहता था। 10 बजे और 11 बज जाता था, और बोलने से ठेकेदार बोलते थे कि नहीं, हमको छुट्टी हम अपनी मर्जी से देंगे, और अगर हम ज़बरदस्ती करते थे घर जाएंगे करके, परिवार देखना है करके, घर देखना है, तो इन लोग दोनों साइड में ताला लगा देते थे। उन्नीस में जब हम लोग दिल्ली राजरा गए भिलाई के मजदूरों का समस्या लेकर, क्योंकि डावड़ा बदास कंपनी की जितने भी मजदूर है भारी मेहनत से काम करता था, उस समय में इन्होंने जो है कभी किसी मजदूर का बात सुनते नहीं थे। तो दिल्ली राजरा जाने के बाद में इन्होंने काफ़ी हम लोगों को मदद दिया है, नियोगी जी ने, किस तरीके से संगठन बनता है, किस तरीके से मतलब मजदूरों का समस्या का हल होता है। क्योंकि हम लोग पहले ये बात सुने थे कि दिल्ली राजरा में 77 में जो मतलब विजय उन्होंने हासिल किया है 77 के आंदोलन से, उसके बाद हम लोगों को भी इस बात का विश्वास था कि नियोगी जी जो है हमारे भिलाई में आने से हम लोगों को भी कुछ ना कुछ मतलब इसमें विजय प्राप्त होगा। एक पर्ची बिल्ला लगा करके एसीसी के अंदर में जाने के लिए उन्होंने दिया, और उसी समय एसीसी का मैनेजमेंट जो है हमारे साथ में समझौता करने में एग्री हो गया है। औद्योगिक जो मजदूर है इंक्लूडिंग सीमेंट उद्योग, ये मजदूर हमारा संगठन में आने का पीछे बहुत सारा उनका कारण है। मुख्य कारण यही है, इधर इसका पहले भी बहुत सारा मजदूर आंदोलन हुआ और बहुत सारा ट्रेड यूनियन का नेतृत्व में हुआ, जैसा कि सीटू, इंटर, एटर, लेकिन अंत में जाकर उनका लीडरशिप देखा गया, मजदूरों को हित के बजाय मालिकों के साथ मिल गया। तो साथ साथ जब एसीसी का समझौता हुआ तो फर्स्ट भिलाई यार्स का मजदूर आया, संगठन बनाया, उसको बाद केड़िया डिस्टिलरी का आया, संगठन बनाया, उसके बाद सिंप्लेक्स यूनिट का क्या होने लगा, पूरा इंडस्ट्री में संगठन बनने लगा। मालिक लोगों के बीच में भी एक पैनिक क्रिएट हुआ, तो नहीं चाहा जे इस एरिया में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिंदा रहे, टिका रहे, लेकिन मजदूर उसको बिल्कुल मुक्त जवाब दिया कि मैंने हमारा देश की जो संविधान है, संविधान के तहत हमने संगठन बनाया, वो हमारा अधिकार है। भिलाई जो शहर के जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जितने भी कंपनियां हैं, ना ही मजदूरों को हेलमेट मिल पाता है, और ना ही पैरों के लिए जूता मिल पाता है, ना ही हाथ के लिए जो है दस्ताना मिल पाता, और ना ही आँख के लिए गागल मिल पाता। नियोगी जी जब भिलाई आए तो मैं संगठन का कार्य करने के लिए मैं उनसे जुड़ा और तमाम मजदूरों को संगठित करने लगा। मुझे यहाँ के मैनेजर, पर्सनल मैनेजर और मैनेजर तमाम लोगों ने बुला करके धमकियाँ दी, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरा और डटा रहा, जिसके कारण इन्होंने मुझे अकस्मात निलंबित कर दिया। 90 में नियोगी जी भिलाई इंडस्ट्री लेके, मतलब भिलाई
स्टील प्लांट रेल लाइन के एक तरफ भिलाई स्टील प्लांट है, दूसरी तरफ भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है जहां 600 से अधिक कारखाना था। नियोगी जी ने भिलाई के मजदूरों को लिविंग वेज जीने के लायक जीने के योग्य वेतन की मांग और संगठित होने के अधिकार ये दोनों मुद्दा को लेके नियोगी भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूरों को ऑर्गेनाइज किए थे। नियोगी जी का आंदोलन अगर सफल होता है, मजदूरों का अगर संगठित होने का अधिकार मिल जाता और जीने लायक वेतन मिलना शुरू होता तो देशी विदेशी जो पूंजीपति है उनको छत्तीसगढ़ को एक्सप्लॉइट करने में दिक्कत होती। 91 में मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए सारे के सारे सत्ता की पार्टी मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वामपंथी दूसरे पार्टी के लोग, दूसरे पार्टी के यूनियन, सत्ता, पुलिस सारे के सारे मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए लगे थे। तुम्हार नाम के दियाला जलाबो, 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 तुहला पुकारे छत्तीसगढ़ के पुजारी हो, हो बन के बहादुर हिम्मत राख्यो भारी हो, हो छत्तीसगढ़ के मजदूर ला जगाए दुश्मन के अगू कभू पीठ नहीं दिखाए, खाके बंदूक के मार बन गए गोली के शिकार, तुहर सुर ताला कभू नहीं भुलाबो, तुहर नाम के दियाला जलाबो, तुहर नाम के दियाला जलाबो, तुहर नाम के दियाला जलाबो, तुहर नाम के दियाला जलाबो। अरे खा के कसम अत्याचार ला भगवा, अत्याचार ला, हाँ खा के कसम अत्याचार ला भगवा, अत्याचार ला भगवा, अत्याचार मेरा नाम तीरथ राम है, भिलाईवार में काम करता था तो पावर हाउस में मेरे को गोली लगा। बस इसने चेसने करे साहब का गोली हम तो नहीं जाना साहब, हम छत्तीसगढ़िया हम कभू वो पिक्चर के लोग नकली चकली देखे साहब, फिर ऐसा ले नहीं देखे रहे कभू, तो बस वो धड़ 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 जब मारे साहब तो जेन आदमी पड़े बस पड़ाक से धरती में गिरे एकदम। मेरा नाम जीवधन है, मैं बी सी कंपनी में काम करता हूँ। हम 1 जुलाई का वहाँ पहुँचे, मैं वहीं पर आ कर के बैठे साथी, उसी बीच में मेरे को जंघा में मेरा गोली लग गया साथी, यहाँ से घुसा साथी, यहाँ से निकला खून निकल रहा था साथी, मैं बेहोश हो गया साथी। कि आप लोग हट जाओ रेलवे से नहीं तो गाड़ी चला देंगे, हमन बोले साहब गाड़ी खुशी से चलाओ, मोर चारों बच्चा ला
एकदम दबोच के रख ले पेट के अंदर, चारों बच्चे, मोर चार बच्चे, दो लड़की है दो लड़का है। तो छोटे वाले लड़की है गाना में खुश होके ताली पिटत रही से, एस पी रही से कस के एक डंडा लगाई साहब, तो कमर में डंडा पड़ी ना तो एकदम चिल्लाए लगी। मैं बोलते बेटी चिल्लाए का समय नहीं है, हम लोग कुर्बानी का समय है। पहले जुलाई को हमारे पति को ख़त्म हो जाने से हमें बहुत परेशानी चलती है, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के किसी तरह से उन्हीं की कुछ सहायता किए हुए चीज़ों से मैं किसी तरह भी पालन पोषण चला रहे हैं, किंतु पढ़ाने में भी हमें बहुत मुसीबत होती है। मैं कैसे चलाते हैं भगवान जानते हैं। बुधवार दिन भर मैं ताकते रहा, वो दिन भर नहीं आया घर में। दूसरा दिन मैं देखते रहा, तीसरा दिन पुलिस आके बोला मेरे को ध्रुव पे जाना है। मैं बोला क्यों? तो मुझे बोलने लगा जेठी उनको थोड़ा चोट लगा पे गया। मैं साथ साथ में जाके देखा जे उसको लाश भी नहीं मिला मेरे को। ऐसा उधर से मैं वापस आ गया। जी हमारा पति एसीसी में ट्रक चलाते थे, उन्हीं को ले आया हुआ नियोगी भैया यहाँ पर आए हुए थे। और उस दिन हड़ताल का दिन हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वह सुबह से घर से चले गए ड्यूटी से आकर के। स्टेशन पर वहीं पर थे रैली में, वहाँ पर शाम को गोली कांड को समय में सब बच्चे लोग को सब गोली लगते हुए देखकर इन्होंने एकदम घबरा गए। बोले कि बच्चे लोग क्यों आप लोग गोली चलाते हो, चलाना है तो हम जैसे मर्दों को सीने पर गोली चला। बुधवार के छुट्टी से 9 बजे घर से निकली थे, शाम तक ले नहीं आई। मोहल्ला वाले बोलते चले गए सुकेला डहान, ऐसी गोली तब से रात भर मैं देखते देखा रात भर देखा। सुबेरे मालूम पड़ी इस गोली लग गई इसे, तब मोहल्ला वाले बोलते थोड़ा से लगे हम जा रहे हैं इसे। तुरंत सुने ना दुरुक गए ना तो नहीं देख ना लाश वहाँ रही इस छत्तीसगढ़ में
जोर कदम से चल ही रहा। आज भी जब बस्तर के आदिवासियों पर जब हमला हुआ है वो इसके साथ एक संपर्क है। योगी जी का हत्या 92 में 16 मजदूरों की शहीद होना इसके साथ सोनी पर हमला या बिना अड्डा को 2.5 साल तक जेल में बंद करके रखना इसका एक संपर्क है। आप कहाँ काम करते थे? दानी टोला में। तो नियोगी जी जब उधर आए थे आपका साथ कैसे परिचय हुआ था नियोगी जी के साथ? वो तो गांव से ऐसे ही बिना जान पहचान से कोई आदमी ला लेके चलो यहाँ मैं से काम है खदान है ऐसे कर मजदूरी करत रही तब वहाँ मोर माँ बाप के घर में रुकत रही। आप दोनों एक साथ काम किया? हाँ एक साथ भी काम करे हैं और फिर मोर माँ बाप से भी काम करी हूँ घर साथ मन खुद करे तो। शादी होने के बाद कब दिल्ली में आ गया था? नहीं वो खुद पर्चा बना के कुछ काम करत रही से और वो कुछ बकरी के धंधा भी करत रही से यहाँ से गांव से ले जाए वो भिलई तक। तो वही टाइम में मीसा लगी तो मीसा में वो जेल चले गए एक साल करीब करीब जेल चले गए। ओकर बाद में जेल से जब छूट के ओकरे बीच में जो है हमार शादी हो गए मतलब मीसा लगे के पहली। तो जैसे मैं एक जेल में चले गए तब क्रांति पेट में रही से अच्छा वो जेल में एक साल रही तब तक क्रांति पैदा हो गई। तब भी मैं महिला मतलब लेके राजनांदगांव में छोटे छोटे एक मीटिंग जो है जुलूस की तैयारी एक आंदोलन की तैयारी करे बर जो है वो खुद मतलब बोली इसकी बच्चा मला लेके जा वो टाइम में छोटे रही फिर भी मैं बच्चा मला लेके 5 दिन तक राजनांदगांव में जाके मजदूर मन से मीटिंग लेना महिला मन से बात करना ये तो जिम्मेदारी वो खुद भी रही से तभी थोड़ा बहुत रही से। अभी के जो जिम्मेदारी है और संगठन के जो भी स्थिति है अभी कि हमारा एक सोच है एक चिंता है कि ये जो आंदोलन है ये जो लड़ाई है हमारा एक खुद के जिम्मेदारी लेके और जो है संगठन के जो भी आंदोलन लाए आगे ले जाना जो भी काम है चाहे आम सभा हो यहाँ भिलई जाना है या राजनांदगांव की मजदूर के मामला हो चाहे कोई आम सभा के हो चाहे जुलूस के हो उसमें बिल्कुल मोला भागीदारी लेना चाहिए लेना ही। और मैं अपन खुद के जो जिम्मेदारी समझती हूँ कि संगठन के जो उद्देश्य जो रास्ता है ओला आगे ले जाए बर बिल्कुल मोर एक घर की जिम्मेदारी एक पत्नी की जिम्मेदारी। समझा चाहल पाल लागे गवई गाँव के खोर संगी गवई गाँव के खोर जुगुर जागर दिखेर भैया दिया के अंजोर संगी दिया के अंजोर किलिर कलर लैका करे किलिर कलर लैका करे गली में खेलैया हो मन मुही डर मुँह छत्तीसगढ़ भुइया मन मुही डर मुँह छत्तीसगढ़ भुइया मन मुही डर मुँह छत्तीसगढ़ भुइया मन मुही डर मुँह छत्तीसगढ़ भुइया। सरकार वाले जो छत्तीसगढ़ का मांग कर रहे हैं वो पहले से ही एक फ्रेम में उसे बांध देना चाहते हैं। उस फ्रेम के अंदर छत्तीसगढ़ का विकास का कोई प्रक्रिया कोई नीति कोई पद्धति कोई योजना में कोई सुधार और जिससे जो है इस क्षेत्र के लोकल लोगों को कि इस बेल्ट में काम मिले ऐसा कोई प्रपोजल उस फ्रेम के अंदर नहीं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा उन चीज़ों को एक नीतिगत रूप से देखता है कि छत्तीसगढ़ का विकास किस नीति पे होगा किस पद्धति पे होगा किस सिस्टम में होगा और उसके लिए क्या क्या कार्य योजना होगा जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे काम मिल सके काम करने का मौका मिले ये छत्तीसगढ़ उस दिशा में देखता है। छत्तीसगढ़ में करीब 1/3 जमीन फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पर सारा भारत में वो हिसाब है 7% ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा माइंस मिनरल रिजर्व जंगल में है। अगर वहाँ माइंस खोलना है तो आदिवासियों को हटाना
ये छत्तीसगढ़ का राज्य का बनना ग्लोबलाइजेशन का प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। आज हम देख रहे हैं कि वामपंथ जो है, पूरा देश में वामपंथ जो है एक बहुत संकट के से गुजर रहा है, जो राजसत्ता का को एक खास रूप देने का एक प्रक्रिया चल रहा है। मजदूरों का समाज कैसे बनेगा, जो वामपंथी लोगों को नया सोच का, नया समझ का जरूरत हो गया, उस रूपरेखा को तैयार करने में आज कोई मजदूर कोई संगठन, बहुत विरल संगठन है जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। नियोगी जी का जो प्रारंभिक संगठन था छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ, दलित रैयत के ठेकेदारी खदान मजदूरों का जो संगठन, वहाँ के मजदूर, सारे के सारे मजदूर फर्स्ट जेनरेशन मजदूर थे, अनपढ़ लोग थे। इन अनपढ़ मजदूरों को, अनपढ़ मजदूर नियोगी जी के नेतृत्व में इनमें से बहुत सारे जन आंदोलन के नेता पैदा हुए मजदूरों में से। लेकिन आंदोलन का आगे और आगे बढ़ाने के लिए जो मजदूरों में भी जो इंटेलेक्ट की जरूरत होता है वो दलिया के मजदूरों में नहीं था, जो था इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर। तो स्किल मजदूरों में से नेतृत्व निकालने के लिए योगी जी का पता था कि योगी जी पर हमला हो सकता है, उनके जान जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने, तो फिर ये सवाल पूछने में हमें मजबूर हो जाते हैं, सवाल खड़ा करने में हम मजबूर हो जाते हैं कि तो बना क्या, क्या क्या जो इतना बड़ा कुर्बानी लोगों ने किया, शंकर गुहा ने हत्या हुआ, अपने आप से पूछने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या फायदा क्या हुआ, नहीं हम नहीं बोलेंगे पर बचा क्या। मजदूरों का सामूहिक जो सृजन शक्ति है उसको उभारने का जो काम एक खास, एक दबे हुए संस्कृति, उस दबा हुआ संस्कृति के मजदूरों ने जो एक सृजनात्मक प्रक्रिया से एक नया समाज गढ़ने का जो प्रयास किया, उस परंपरा को का हम आज कि क्या कितना प्रासंगिकता हम देख रहे हैं, यही हमारे लिए सोचने का विषय है। नियोगी जी जब थे या नियोगी जी आज नहीं है तो नीतिगत रूप से बदलने का कोई बात नहीं है। आंदोलन का विस्तार ही, आंदोलन का रास्ता ही ऐसा है कि वो अपने आप में परिस्थिति के मुताबिक बदलते रहता है, ये कोई स्थिर कोई योजना नहीं है। गंगा कस घाट लगे गांव के तरिया पार, संगी गांव के तरिया पार, मीठ मीठ बोली बोले कोयली आमदार, मसंगी कोयली आमदार, जुड़ जुड़ लगे सुगर ली मरुख छैया हो, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, हमार किसन मन के सोने के चिड़ैया हो, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, गाँव तीर के नरवा सबके प्यास ला बुझा थे, संगी प्यास ला बुझा थे, ये डोंगरी के चार तेंदू गजब सुघर लागे, संगी गजब सुघर लागे, औरा फरे बेल फरे औ फरे मोकैया हो, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, हमार किसना मन के सोने के चिड़ैया हो, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया, मन मोही डारे मु छत्तीसगढ़ भुइया।